हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था फ्लावर पार्क का, आज मैं डालूंगी फ्लावर शो का। और ये सामने है अटल ब्रिज। ब्रिज पे तो हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थक गए थे चल चल के, और बहुत ज़्यादा क्राउड भी था ब्रिज पे। मतलब ब्रिज पे चलना कुछ मतलब देख लिया बस, ठीक है। और ये है अटल ब्रिज जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, थोड़ा टाइम पहले ही बना हुआ है। गाइज हम तो वहीं से वापस जा रहे थे, असली फ्लावर शो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब दिखाती हूँ आपको। बेबी को गर्मी काफ़ी लग रही थी तो बेबी और दीदी अभी बैठे थे छाया में, छाया ढूंढ के। और ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, देखो सारे पेड़ पौधे। धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। पार्टी तो सो गई है, हम चलते हैं अभी फ्लावर शो देखने। ये देखिए यहाँ पे है मेथी, लेटस, अनियन, गार्लिक, सब यहाँ सारे फूड के हैं। गुजराती फूड भी है, सब कुछ है। पोटैटोज भी लगे हुए हैं यहाँ। एक अगरचेली सीखना, एक चावी मड़ी आवे छे, जेनी पण होय घोड़ा का दिन लई जाए। यहाँ लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया। ये गेम्स का है। ओलंपिक्स का जो पहला
यहाँ लोगों को झूलों का बहुत शौक है, इसलिए झूले लगे हुए हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। सो ये था सारा फ्लावर शो। दीदी ने तो देखा नहीं, अभी फोटोज में दिखाया है। लड्डू हमारा सो गया था इसलिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब जैसे जून में गर्मी होती है ना अपने वहाँ, इतनी गर्मी है यहाँ पे। और पैरों के भी ऐसे ना जूतों में पैर सड़ गए मेरे तो। अब ऐसे मन कर रहा है कि कुछ बैठ के छाया में ना कुछ खा पी लें, बट बैठने की जगह ही नहीं है, छाया ही नहीं है। मैं तो अभी तो वीडियो बना रही हूँ, पूरा अटल ब्रिज आ गया और तू भी आ गई, चिकू भी आ गया। सो पहुँच गए हैं हम घर पे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, हम सारे काले पीले हो गए होंगे टैनिंग में। और घर पे आया हुआ था हमारे लिए पार्सल, वो हम बाद में अनबॉक्स करके दिखाएंगे। ऑर्डर किया था यहाँ, तो ये रहा हमारा पार्सल। मैंने सोचा जो मैंने पार्सल मंगवाया है अनबॉक्स करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। ये देखिए सबसे सारा पैकेज, सब कुछ एक ही में डाल दिया और एक चीज़ अलग से डाल दिया। तो चलो पहले ये वाला ओपन कर लेते हैं। तो अच्छा कि एक ही में डाल दिया, नहीं तो पैकेट बहुत वेस्ट होते हैं ना, मतलब कचरा इकट्ठा हो जाता है। ओके तो इसमें है एक टी शर्ट, मतलब प्लेन ब्लैक टी शर्ट ही मंगवाई थी। तो ये है प्लेन ब्लैक टी शर्ट। नाउ बड़ा वाला ओपन करते हैं। घूमने जाएंगे तो यूज कर लेंगे। हाँ जी बेटा, तो ये देखिए ये तो ये बेसिकली टी शर्ट्स ही हैं। ये थी एक वाइट टी शर्ट, काफी पतली स्टफ, काफी पतला है, पहन के बाद में दिखाऊंगी। और ये है एक और टी शर्ट, तो बहुत लूज लग रही है, एक्सल साइज। ये भी काफी बड़ी लग रही है। ये है एक जीन्स, तो ये सब अभी पहन के देखेंगे फिर पता चलेगा साइज का। तो ये देखिए ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी, ये होल्स्टर की है
और ये जीन, जीन की में भी रोडस्टर की ली है, रोडस्टर की है, जीन भी बहुत अच्छी फिट आई है। तो ये तो अच्छी नहीं लगी मुझे, ऐसे टाइट टाइट है बट लॉन्ग है, और इसकी स्लीव देखो इसको तो रिटर्न कर दी। ये ना यहाँ से खुली रहती है ये टी शर्ट्स, तो यहाँ से फिट रहती हैं। और ये है वाइट,